ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ NGOs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪੂਰੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਦਿਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੰਕਿਤ, ਕਿਆ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? बिल्कुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, 500 वर्ष के बाद ऐसा संगम बना है, ऐसा टाइम आया है जब ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो इस टाइम के अंदर जो शराब के ठेके हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। 22 जनवरी के दिन, 22 जनवरी को हरियाणा के अंदर ड्राई डे रहेगा। वहीं स्कूलों की छुट्टियों की जब जहां तक बात है कि स्कूलों की छुट्टियां नहीं रहेंगी, लेकिन एक सरकार की ओर से योजना बनाई जा रही है कि जब 2 घंटे का जो समय होगा, 11 बजे से 1 बजे का समय, उस समय के अंदर स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज के अंदर सभी जगह लाइव स्ट्रीमिंग का प्रोग्राम सरकार तय कर रही है कि लाइव स्ट्रीमिंग उस समय की जाए और सभी लोग इकट्ठे बैठ करके उस प्रोग्राम से जुड़े, देखें और उस भावना को महसूस करें। तो ये प्रोग्राम अभी तय किया गया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से घोषणा कर दी गई है कि 22 तारीख को शराब के ठेके पूरी तरह से हरियाणा के अंदर बंद रहेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो होर भी जो फैसले ने वो 22 जनवरी के मद्देनजर उस दिन के संबंधित ले जा रहे हैं हरियाणा सरकार के वलों। जिक्र योग है कि हरियाणा के बीजेपी की सरकार है और वड्डे पद्धर से एक वड्डे इवेंट के तौर पर असं कह सकते हैं इस खास जो दिन है उसको वेख्या जा रहा है, क्योंकि पूरे तरह के नाल इंतजार बहुत ही लंबे समय का, जिवें अंकित भी मेरे सहयोगी जिक्र कर रहे थे, तो वह दिन आने वाला है 22 जनवरी और 22 जनवरी लैके खास फैसले जोड़े ने ले जाएंगे। एक तो शराब के ठेके जोड़े ने बंद रखन का ऐलान कर दिता है सीएम मनोहर लाल ने। इस तो इलावा हरियाणा के स्कूलों के जो, क्योंकि 21 जनवरी तक पंजाब छुट्टियां ने पर 18 तरीक तक हरियाणा छुट्टियां ने, उस तो बाद डीसी ने फैसला लेना है। और 22 जनवरी में यह पॉसिबिलिटी है कि बच्चे स्कूल के जाएंगे और उत्थे स्कूलों के यूनिवर्सिटी के 11 तो लैके 1 बजे तक का जो समा है वो खास समा है उसनों जरा सीधा प्रसारण उसका किया जाएगा स्कूलों के भी। इसनों लैके भी सरकार विचार कर रही है और यह भी फैसला हो सकता है कि जल्दी ऐलान कर दिया जाए, तो हरियाणा सरकार के वालों अपने पद्धर से प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर ये सारे फैसले ले जा रहे हैं, जिथे सफाई अभियान कह सकते हैं, सफाई मुहिम कह सकते हैं, वो चलाई गई है। असं वेख रहे रोजाना जोड़े व्डे लीडर्स ने खुद जाके मंदिरों के पहुँच रहे हैं और सफाई मुहिम के हिस्सा पा रहे हैं, अगवाई कर रहे हैं, तो उस दे चलते वक्खो वक्ख होर जिहड़े फैसले ने अपने पद्धर से भी सरकार सूबे दियां लै रही ने। अगे रुक करांगे मंत्री अमन अरोड़ा दे नाल संबंधित अहम खबर है। दस दिए कि मामले दे विच पंजाब सरकार नूं नोटिस होया है, हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी किया है कि जेकर सज़ा ते रोक नहीं लगती तो फिर 26 जनवरी नूं झंडा नहीं लहराउणगे अमन अरोड़ा। हाई कोर्ट ने कहा है जनहित पटिशन से दस दिए कि सुनवाई करदे होया हाई कोर्ट ने यह आदेश दिते ने, अमन अरोड़ा ने 26 जनवरी नूं अमृतसर दे विच झंडा लहराना है, क्योंकि सारी लिस्ट बकायदा आ चुकी है कि किहड़े मंत्री किहड़े जिले दे विच मौजूद रहेंगे, तो उस दे चलदे उस दिन ही ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिता गया से, जिस तों बाद कोर्ट का भी रुख किया गया है और कोर्ट दे विच सुनवाई हुई है। तो कोर्ट ने यह कहा है कि जदों तक स्टे नहीं लगती इन्हां दी सज़ा ते उदों तक यह फैसला नहीं लिया जा सकता, उदों तक रोक है
कि झंडा नहीं लहराया जाएगा, लहराया जाएगा तो हूँ 22 जनवरी को मामले की दस्सी की सुनवाई होनी है और उसे दिन हो सकता है कि यह तय हो जाए या फिर उस तो पहला जेकर स्टे मिलती है सजा से तो फिर उस तो पहला यह भी संभवता मनी जा रही है कि राहत हो सकती है अमन अरोड़ा या कह लिए कि झंडा वो लहराएंगे, पर फिलहाल तक यह रोक लगाई गई है कोर्ट के वालों और अमन अरोड़ा दस दिए कि 2 साल की सजा घरेलू मामले के सुनाई गई है। अगे वधदे हां तां सुखपाल खहरा मामले दे विच पंजाब सरकार नूं नोटिस होया, दस्सिए कि हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार तो जवाब मंगया है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार तो सोमवार तक का जवाब मंगया है। खहरा ने अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की है। कपूरथला के सुभानपुर थाने दे विच दस्सिए कि खहरा के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और एक महिला की शिकायत से मामला दर्ज होया। इस मामले दे विच जेल च बंद ने सुखपाल खहरा, तो हुण देखना होगा कि पंजाब सरकार दे वल्लों सारे मामले च की कुछ जवाब कोर्ट च दाखिल किया जाए। खहरा ने अपने खिलाफ दर्ज FIR जी है रद्द करने की मांग की है। इस अलावा उन्होंने वालों जमानत अर्जी भी जी है वो लगाई गई है, तो यह भी देखना होगा कि जमानत मिलती है कि नहीं, पर उस तो पहला यह भी बेहद अहम है कि किस तरीके इस मामले के कोर्ट ने हुण पंजाब सरकार तो जवाब मंगया है। देखना होगा कि पंजाब सरकार के वालों की कुछ जवाब तलब किया जाता है सारे मामले के। उधर नाजायज माइनिंग के मामले के NGT का पंजाब सरकार नू नोटिस आया है। दस्सिए कि NGT ने रोपड़ के DC नू भी नोटिस जारी किया है, तो दोहां तो 11 मार्च तक जवाब मंगया गया है। NGT के सिद्धू ने पटीशन दाखिल की है। सिद्धू ने रोपड़ के नाजायज माइनिंग होने के इल्जाम लगाए ने, तो हूँ इस सारे मामले के भी जी है दस दई है कि पंजाब सरकार नू नोटिस जारी किया गया, सुनवाई हुई है, तो NGT के वालों पंजाब सरकार नू नोटिस जारी किया गया है और नाजायज माइनिंग दे सारे इल्जाम लगे ने, तो यह भी अहम है मसला। तो नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोपड़ के DC नू भी दस दिए कि नोटिस जारी किया है और नाजायज माइनिंग दे इल्जाम लगे ने। हालांकि ये मसला जरा है वो कह सकते हैं कि पहला समय च काफ़ी ज़्यादा उठता रहा है, खास तौर पर रोपड़ की गल की जाए तो इतने खड्डा दे विच और अजिहियां थावां ते जिथे कि माइनिंग नहीं होनी चाहिए उत्थे भी माइनिंग हुंदी है और नाजायज माइनिंग कुल मिला के उसके इल्जाम पहला भी लगते आए रहे, पर हुण नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों इस नूं लैके ये सारा शिकायत की गई है। कह लिए कि NGT का रुख किया गया है और NGT ने रोपड़ के DC नूं भी नोटिस जारी किया है। उधर 2024 दियां लोकसभा चोणां इकल्ले लड़ेगी बसपा। दस दईए कि BSP सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है, तो असीं लोकसभा चोणां इकल्ले लड़ांगे, ये मायावती का कहना है। BSP किसी दे नाल गठजोड़ नहीं करेगी, गठजोड़ दे नाल सानू नुकसान ज़्यादा हुंदा है, भी मायावती ने कहा है। लोकसभा चोणां इकल्ले लड़के वधिया नतीजे लियावांगे, ये भी दावा करते हुए मायावती नजर आए। यह भी जिक्र योग है कि श्रोमणी अकाली दल बसपा का पंजाब दे विच गठजोड़ है और इस दे विचाले पिछले दिनों तो काफ़ी चर्चावां हुई हैं, क्योंकि जो जसवीर सिंह गढ़ी बसपा के पंजाब प्रधान का बयान आता है कि बहुते घर का परौना भुखा रह जाता है, जिस तो बाद उन्होंने अज ही कह लिए कि अपडेट किया बीते दिन कि 20 तरीक तक तो बाद जरा है श्रोमणी अकाली दल साफ करेगा और सीट शेयरिंग लैके चर्चा होएगी, पर इस दे विचाले मायावती का यह बयान बेहद अहमियत रखता है। पार्टी के सभी लोग अपने तन मन धन की पूरी ऊर्जा शक्ति एकजुटता तथा आपसी भाईचारे के साथ मिलकर लोकसभा का यह आम चुनाव पूरी दमदारी के साथ ही लड़ेंगे और केंद्र की सत्ता में अपनी प्रभावी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही इस चुनाव को लेकर यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में
यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी पूंजीवादी संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती दे वलो साफ कर दिता गया है कि कल्ले जिहड़ियां चोणां ने 2024 दियां लड़ियां जाणगियां किसी नाल भी कोई अलायंस नहीं होएगा। और उन्होंने ये साफ किया कि जदों अलायंस दे विच बसपा लड़ी है तो ज़्यादा नुकसान होया है, तो इसे दे मद्देनज़र यह फैसला किया गया है कि कल्ले चोणां लड़ियां जाणगियां। पर अजिहे दे विच बेहद अहम है कि आखिरकार किस तरीके दे नाल पंजाब दा सिनेरियो रहने वाला, खास तौर पर जदों अकाली दल अते बसपा का जदों गठजोड़ होया होगा।